उस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि वो जिसे अपने मम्मी पापा समझकर उनकी सभी बात मनती आ रही है, वो उनके मम्मी पापा है ही नहीं। वो तो बेचारी कभी अपने घर से बाहर निकली ही नहीं। उसे तो सोनाली के मम्मी पापा ने घर में कैद करके रखा हुआ है डॉट, ताकि वो सही वक्त पर उसका इस्तेमाल कर सके अविका के मम्मी पापा के खिलाफ। सोनाली अभी इतना कह ही रही थी कि तभी एक तरफ से कार आने की आवाज आ रही थी। तभी सोनाली देखती है कि वो कार तो अधिक की है, तो वो और राहुल वहीं पर छुप जाते हैं। तभी थोड़ी देर में अध्विक आता है और अविका के पास आकर उसे उठाने लगता है और कहता है, अवि अपनी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना सुनते ही दर्द में भी अविका अपनी आंखें खोलकर अध्विक को देखकर रोने लगती है और बोलती है कि हमारे बच्चे को बच्चा लो अधिक। वो इतना ही बोली थी कि उसके ऊपर गोली चल जाती है और वो सीधा अविका के पेट पर लगती है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। और जाते जाते मन में भगवान से प्रार्थना करती है कि प्लीज भगवान मुझ अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका दे, क्योंकि उसे अब पता चलता है कि अधिक उसे कितना प्यार करता है। पहले जब भी अध्विक उससे बात करने की कोशिश करता था तो अविका सोनाली की बातों में आकर उससे बात ही नहीं करती थी। अविका अभी आंखों में आंसू लिए अध्विक को देख ही रही थी कि तभी एक और गोली चलने की आवाज आती है और वो सीधे अधिक के सीने में जाकर लगती है। अविका मरते मरते देखती है कि ये गोली सोनाली ने चलाई थी और वही अपना दम तोड़ देती है डॉट। एक आलीशान कमरे में एक लड़की सो रही थी, उसके ब्राउन बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे डॉट, और इस वक्त उस आलीशान बेड पर बिखरे हुए थे डॉट। उसे देखकर लग रहा था कि कोई हूर की परी सो रही है। उसकी दूध जैसी गोरी स्किन दमक रही थी। अभी उसके गोल से चेहरे को देखकर उसे देखकर लग रहा था कि वो लड़की कोई बुरा सपना देख रही थी। वो पूरी पसीने में भीगी हुई लग रही थी और वो जोर से चिल्लाकर अपनी आंखें खोल देती है। वो थोड़ी शांत होकर आसपास देखती है तो उसे एक कमरा दिखता है। उसे देखकर वो अपने आप में कहती है कि ये तो उसका कमरा है। गुलाबी कलर का एकदम प्रिंसेस कमरा था। ये लड़की कोई और नहीं, हमारी कहानी की हीरोइन अविका है। उसे याद आता है कि ये कमरा तो उसका कमरा है जिसे उसके मम्मी पापा ने खुद उसके लिए डेकोरेट किया था, जब उसे एक गांव से अपने असली मम्मी पापा के पास लाया गया था, क्योंकि उसका जन्म हुआ था तभी उसका किसी ने किडनैप कर लिया था। फिर जब उसके असली मम्मी पापा को अविका मिली तो उसे अपने साथ ले आए थे। अविका ये सब सोच ही रही थी कि उसे याद आता है कि वो तो मर गई थी ना, फिर उसके रूम में क्या कर रही है। फिर अपना हाथ अपने पेट पर रख कर देखती है तो वह भी कुछ नहीं था और उसके बच्चे के बारे में सोच कर रोने लगती है। वो थोड़ी देर ऐसे ही रोने के बाद उसके ध्यान में आता है कि वो यह क्या कर रही है। वो तो मर गई थी डॉट और अध्विक को भी गोली लगी थी ना। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसका ध्यान उसके फोन पर जाता है। वो अपना फोन देखती है तो उसे आज की तारीख पता चलती है कि आज तो 14 मई 2024 है। और फिर वो सोचती है कि मैं तो एक साल पहले आ गई, कहीं मैं पहले सपना तो नहीं देख रही थी। फिर खुद ही कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, सब तो मुझे रियल ही लग रहा था, इसका मतलब मेरा रिबॉर्न हुआ है। ये कहकर वो खुश हो जाती है। फिर वो सोचती है कि वो इस बार उसके अध्विक को कुछ नहीं होने देगी और अपने बच्चे को याद करके कहती है कि वो अपने बच्चे की मौत का बदला जरूर लेगी डॉट। अविका ये सब सोच ही रही थी कि उसे अपने डोर पर किसके नोक करने की आवाज आती है। तभी वो सोचती है कि अभी कौन आया होगा। वो अंदर आने को बोलती है तो उसे पता चलता है कि यह तो सोनाली है।
पहले तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। डॉट पर वो अपने गुस्से के शांत करती है और सोनाली को कहती है कि उसे कुछ काम था क्या। तो सोनाली कहती है कि दीदी मैं तो आपको नीचे डिनर के लिए बुलाने आई थी। ये कहकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, दीदी आप कैसी हैं? मैंने आपको बहुत मिस किया। वो बोल तो इसे रही थी कि सच में अविका उसकी बहन हो, पर अविका जानती थी कि ये सब उसकी एक्टिंग है। अविका मन ही मन में कहती है कि इसकी एक्टिंग तो अच्छी है, इसीलिए मैं इसकी बातों में आ गई। सोनाली अभी भी अविका से बात करना चाहती थी क्योंकि वो अविका को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी और ये सब उसके माँ ने उसे पहले से ही सीख के रखा था कि वो कोई गांव की गवार लड़की होगी और तुम्हें उसे ही अपनी बातों में रखना होगा। ये सब सोनाली ने ही उसे जब कैद थी तभी बताया था कि कैसे कैसे उसने अविका को अपनी मुट्ठी में रखा था, पर उसे ये नहीं पता था कि ये अब वो अविका नहीं है जो उसकी बातों में आ जाए। सोनाली अभी कुछ और बोलने ही वाली थी कि तभी अविका बोलती है कि सोनाली तुम जाओ, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। अविका के ये बोलने पर सोनाली को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है क्योंकि वो तो ये सोच कर आती थी कि वो अविका के साथ बात करके एक अच्छी बहन बनने का नाटक करके अविका को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी ताकि आगे जाके उसे कोई परेशानी न हो। सोनाली के वहां से जाने के बाद अविका एक चैन की सांस लेती है क्योंकि उसे पता था सोनाली यह क्या करने आई थी, क्योंकि उसके पिछले जीवन में भी ऐसा ही हुआ था और अविका ने भी एक अच्छी बहन बन के लिए सोनाली से बात करने लगी थी और सोनाली को अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया था, जैसे कि वो अभी फेमस डॉक्टर AR है, जिसका फायदा उठाकर सोनाली ने अविका को अपने डॉक्टर होने के बारे में किसी को न बताने के बारे में बता दिया था और अविका भी सोनाली की बात मानकर किसी को कुछ नहीं बताया और इसका सोनाली ने बहुत फायदा उठाया था। पर तभी भी अविका ने अपने कई ऐसी अचीवमेंट भी सोनाली को नहीं बताई थी, फिर भी अविका ने ये सब अपने घर वालों को और दुनिया को भी नहीं बताया था और इसी का फायदा उठाकर पहले सोनाली ने एक अच्छी बहन की तरह रोने धोने का नाटक करके अविका से डॉक्टर की स्किल सीखी थी और लास्ट में सोनाली ने ही अविका की वो डॉक्टर वाली आइडेंटिटी अपने नाम कर ली थी क्योंकि सोनाली और अविका दोनों ही डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, पर सोनाली की स्किल अच्छी थी पर डॉक्टर AR के काबिल नहीं थी। पर उसने चालाकी से अविका को अपनी बहन होने की हेल्प करे और उसकी जगह खुद डॉक्टर AR बन गई थी। पर उस जन्म में तो अविका बहन के प्यार में अंधी होकर सोनाली की हेल्प कर रही थी। डॉट पर इस जन्म में तो उसे पता था कि वो उसकी बहन नहीं है और अब तो उसकी हेल्प तो दूर की बात ही। अभी तो अविका को सोनाली से बदला लेना था। सोनाली के जाने के बाद अविका उठती है और फ्रेश होने चली जाती है। वो थोड़ी देर में फ्रेश होके आती है और अपने रूम को देखने लग जाती है। वो देख रही थी कि ये रूम पहले जैसा ही है जब वो इस रूम में अपने पिछले जन्म में एक साल तक रही थी। उनके भाई और माता पिता ने उसे एक प्रिंसेस की तरह रखने की कोशिश की थी, पर अविका ने सोनाली की बातों में आकर उनके किसी भी भाई से बात तक नहीं की थी। फिर भी उसके किसी भी भाई ने बुरा नहीं माना था और उसे भी सोनाली जितना ही प्यार देने की कोशिश की थी। डॉट अविका फ्रेश होकर अपने ड्रेसिंग रूम से एक टी शर्ट और सोस्ट्स लेके पहन लिया और उसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये है हमारी कहानी की हीरोइन अविका राठौर। दिखाने में वो बहुत ही खुबासरत है, कोई उसे देखे तो देखता ही रह जाए। उसकी नीली आंखें, दूध से भी ज्यादा गोरा रंग, ब्राउन कमर तक आते बाल, दिखाने में वो किसी हूर की पारी से कम नहीं थी। अविका डेजिंग टेबल के सामने जाके खुद को आईने में देखती है तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में कैसे सोनाली ने उसे कहा था कि उसके मम्मी पापा को इसे कपड़े पसंद नहीं है,
और उसे इंडियन ड्रेस ही पहनने को कहती थी, और वो भी सोनाली की बातों में आकर ऐसा ही करती थी जो सोनाली उसको कहती थी। पर अब उसे पता चलता है कि तब वो कितनी बेवकूफ थी। अविका अपना सर झटक कर अपने पुराने ख्यालों से बाहर आती है और खुद को अपनी नई जिंदगी जीने के लिए तैयार करती है और नीचे चली जाती है। डॉट वो नीचे जाकर देखती है कि कैसे उसके मम्मी पाप उसका डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। वो भी उनके पास जाती है और वही की एक सीट पर बैठ जाती है। उसे अपने मम्मी पापा को देखकर गले लगने का मन कर रहा था, पर वो ऐसा करती तो उनको परेशानी होती कि अभी 2 घंटे पहले तो मिले थे और 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया। ये सब सोच कर वो अपने इमोशंस को संभालती है और उसकी मम्मी के पास बैठ जाती है। वो देखती है कि उसके पापा के पास सोनाली बेटी थी, पर वो कुछ कहती नहीं है और अपना डिनर करने लगती है। थोड़ी थोड़ी देर में उसके मम्मी पापा उसकी थाली में कुछ ना कुछ परोस रहे थे। उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, अपने मम्मी पापा का प्यार फिर से पाकर। फिर वो भी अपने मम्मी पापा की थाली में कुछ ना कुछ रख रही थी। वो अपना टाइम एंजॉय कर ही रही थी कि उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो अपनी आंखें ऊपर उठा के देखती है कि सोनाली उसे ही घूर कर देख रही थी। पर जब दोनों की आंखें मिली तो वो अपने फेस पर झूठी स्माइल लाकर बोलती है कि दी आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना। तो अविका भी स्माइल कर देती है पर कोई जवाब नहीं देती और खाने लग जाती है। अविका अभी अपने फैमिली टाइम में सोनाली से बात नहीं करना चाहती थी और उनकी बातों पर अविका के मम्मी पापा ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो अपने बेटी को वापस पाकर ही खुश थे। डॉट राजवंश फैमिली, अविनाश राजवंश, अविका के दादाजी ये एक मिलिट्री मैन है। दिखाने में एकदम बॉडी बिल्डर टाइप के हैं और स्वभाव के भी स्ट्रिक्ट दिखाते हैं और है भी, पर दुनिया वालों के लिए डॉट और वो अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं। डॉट वीना राजवंश, अविका की दादी जी, ये बहुत प्यारी है और अविका से भी बहुत प्यार करती है। अविनाश राजवंश और वीना राजवंश के 2 बेटे हैं, एक अहान राजवंश और 2 राजीव राजवंश। अहान राजवंश अविका के पापा, अहाना राजवंश अविका की मम्मी। अहान राजवंश की उम्र 50 है पर अभी 35 के ही लगते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बाहर वालों के लिए ये बहुत सख्त मिजाज के हैं पर घर में उनका नेचर बहुत अच्छा है और अपने घर वाले से बहुत प्यार करते हैं और एक बिजनेस में है। अभी तो उन्होंने अपनी कंपनी राठौड़ एम्पायर को अपने बड़े बेटे अभिषेक राजवंश के साथ मिलकर संभालते हैं और अहाना राजवंश एक हाउसवाइफ है। उनकी उम्र 47 की है पर वो अभी 30 की ही लगती है। डॉट और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और दिल की बहुत कोमल है। अविका दिल भी इनके ऊपर ही गया था पर वो पिछले जन्म में, अभी क्या होता है ये देखना बाकी है। डॉट अविका के 4 भाई और है जो अभी अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।